हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पारिजात गार्डन में। इस समय बारिश का मौसम हो रहा है और प्लांट भी बहुत ही हरे भरे और खुश हैं। ये हमारे गंधराज के प्लांट है जिसमें बहुत सारी कलियां आई हुई हैं। इसमें हर ब्रांच में कलियां आई हुई हैं और ये चंपा का प्लांट है, इसमें भी कलियां आई हुई हैं। ये रेन लिली का प्लांट है और आज इसमें फूल नहीं खिले हैं। ये येलो कलर का है रेन लिली और इसमें जब फ्लावर खिल जाते हैं तब फ्लावर खिलने के बाद इस तरह से उसमें बीज निकलते हैं। इन्हीं बीज जब थोड़ा पक जाते हैं तो आप इनसे नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं, ये इस तरह के इसके बीज होते हैं। इन्हीं बीज से हमने इस पॉट में भी रेन लिली ग्रो किया है और इसमें छोटे छोटे प्लांट निकल आए हैं। आप इन बीज से आसानी से रेन लिली के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए थोड़े से पक गए हैं और इसके बीज देखिए इस तरह से इसके ऊपर की पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं और इसमें ब्लैक कलर के अनगिनत बहुत सारे सीड्स होते हैं। देखिए एक बीज में आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। आप ये देखिए ब्लैक कलर के छोटे छोटे ये सीड्स हैं, इसे एक सीड में एक प्लांट आपके निकल जाएंगे। आप सोचिए आप इन बीजों को ग्रो करेंगे तो आपके पास एक कितने सारे प्लांट हो जाएंगे। और ये बेस्ट सीजन है आपको ग्रो करने के लिए। ऐसे आपके प्लांट में जब फ्लावर खिल जाएं तो उसके बाद जो बीज बनते हैं आप उनको तोड़ के रख लीजिए, उसमें बहुत सारे सीड्स निकलेंगे और उन्हीं को आप ग्रो करिए तो बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। और ये जड़ से नहीं, इसके नीचे जो है बल्ब होते हैं, बल्ब द्वारा ये प्लांट होते हैं। आप अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप इसके बल्ब से भी लगा सकते हैं और नहीं मिले तो आप बीज से आसानी से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये कई कलर में आते हैं, अभी तो मेरे पास एक ही कलर है। देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और जब इसके फ्लावर खिलते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।